समझाने से पंचायत को मुद्दे उठाएंगे और जितना आप लोग पब्लिक के बीच में जाओगे, जितना जनता के बीच में जाओगे, जिसके इलाके में प्रोग्राम होगा वो एमसीओ पर्सन सरकारिता क्या होगा भाई, तीन दिन में नमस्ते भी करेगा, क्योंकि उनको पता है ये खान खान नहीं है, ये पिक्चर लग रही है तो ये इलाज करेंगे। और आपको बता दू, हमने घोषणा कर रखी, सीरियस काम कर रहे हैं, नगर निगम का चुनाव लड़ेंगे, मेयर का कैंडिडेट खड़ा करेंगे, 26 से 26 पार्षद बनाएंगे। और आज भरी गारंटी से आपके दम पर कह रहा हूं, नगर निगम मेयर का चुनाव जितने देर पार्षद कुशासन, महंगाई और भ्रष्टाचार से बुरी तरह त्रस्त जनता बेहतर विकल्प की तलाश में है। ये विचार सर्वजातीय जनपंचायत के अध्यक्ष सुरेंद्र अहलावत ने सेक्टर 25 स्थित कार्यालय में चौथी मासिक पंचायत को बतौर मुख्य वक्ता संबोधित करते हुए कही। अहलावत ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है और सरकार की निरकुशलता और मनमर्जी के लिए कांग्रेस भी बराबर की जिम्मेदार है, क्योंकि प्रमुख मुख्य विपक्षी दल होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए असफल रही है और कांग्रेस का एन निकाय चुनाव के मौके पर चुनावों से भागना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। सुरेंद्र अहलावत ने कहा कि नैतिकता का दम भरने वाली भाजपा ने चुनाव जीतने के चक्कर में सभी मर्यादाओं की सीमा लांघ दी है और इसका ताजा उदाहरण स्मालखा निकाय चुनाव में चेयरमैन पद का टिकट कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर एक ऐसे व्यक्ति को दिया गया जिस पर आपराधिक मामला लंबित है और चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य था, लेकिन सत्ता का दुरुपयोग कर उनको चुनाव लड़वाया गया। देखिए, सर्वजातीय जन पंचायत का कारवा लगातार आगे बढ़ रहा है। आज हमारी चौथी मासिक पंचायत थी और हम पंचायत में जो महीने भर में कार्य होते हैं उनकी समीक्षा करते हैं और आगामी कार्यक्रम तय करते हैं और उनके दिशा निर्देश तय करते हैं। और खुशी की बात है कि हर बैठक में, हर पंचायत में नए नए साथी जुड़ रहे हैं और समाज के हर वर्गों से ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है। और हमने जैसे कि घोषणा कर रखी है कि हम नगर निगम के आने वाले चुनाव लड़ेंगे, मेयर का भी चुनाव लड़ेंगे और पार्षद पद का भी चुनाव लड़ेंगे। अभी आने वाले पंचायत में जिला परिषद के चुनाव को लेकर भी सर्वजातीय जन पंचायत कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है और उसमें निर्णय लेंगे भी ये जिला परिषद के चुनाव हम लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो हमने आज अपनी संगठनात्मक बैठक करी है और हम हफ्ते के अंदर अंदर काफ़ी नए पदाधिकारियों की, सर्वजातीय जन पंचायत के पदाधिकारियों की घोषणा करने जा रहे हैं जो समाज में अच्छा स्थान रखते हैं, जो कुछ व्यवस्था परिवर्तन के लिए मादा रखते हैं और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जिनके अंदर हौसला है उनको हम नए पदाधिकारी बनाएंगे। और लगातार जो जन समर्थन सर्वजातीय जन पंचायत को मिल रहा है उससे लगता है कि आने वाले समय में पानीपत जिले के अंदर मुख्य जो एक फोर्स होगी या जो चुनावी फोर्स होगी या सामाजिक फोर्स होगी वो सर्वजातीय जन पंचायत होगी। मासिक पंचायत में सर्वसम्मति से अग्निपथ योजना की पुनर्समीक्षा के लिए प्रस्ताव पास करते हुए कहा गया कि इस योजना को लागू करने से पहले इस क्षेत्र के विशेषज्ञों और युवाओं से सलाह मशवरा करके ही इसको लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा पंचायत में एसजेपी के पिछले महीने के कार्यों की समीक्षा कर अगले महीने की कार्य योजना तय की गई। एकता विहार से प्रमुख समाजसेवी दिनेश शर्मा, धर्मवीर सैनी, अशोक कबीर पंथी और वार्ड 11 से पार्षद पद के उम्मीदवार रहे शीशपाल लोढ़ा ने सर्वजातीय जनपंचायत में शामिल होने की घोषणा की, जिनका अध्यक्ष सुरेंद्र अहलावत ने पटका डालकर स्वागत भी किया। और आगामी क्या रूपरेखा रहेगी? देखो, आज हमारी चौथी मासिक जनपंचायत थी और इसी जनपंचायत में जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, नए साथी बराबर जुड़ रहे हैं हमारे संगठन के साथ में। और आज हमने बूथ के लिए एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, जो आगामी जो हमारे प्रोग्राम बूथ तक हम लोग जाएंगे और बूथ का संगठन हम लोग खड़ा कर रहे हैं ताकि जो आने वाले निगम के चुनाव हैं या चुनाव जिला परिषद के हैं या ब्लॉक समिति के चुनाव हैं उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। पंचायत को संबोधित करते हुए संयोजक डॉक्टर नरेंद्र ने कहा कि वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली से समाज का हर वर्ग, महिला, पुरुष, छात्र, मजदूर, किसान सभी दुखी हैं। उन्होंने कहा कि सर्वजातीय जनपंचायत जिले के हर बूथ स्तर तक कार्यक्रम आयोजित कर संगठन को मजबूत करेगी। वहीं इस मौके पर पंचायत को पूर्व पार्षद रामरतन अग्रवाल, हरबेल सिंह मक्कड़, भीम सिंह रोड और पानीपत ग्रामीण के अध्यक्ष जसबीर काद्यान सभी ने संबोधित किया। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।